दोस्तों, क्या आपको 5 विश्व प्रसिद्ध विदेशी परिवारों के बारे में पता है जिन्होंने सनातन धर्म को दिल से अपना लिया और हिंदू बन गए, और अब ये विश्व प्रसिद्ध विदेशी परिवार भारत में ही रहते हैं। इन 5 परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को समर्पण कर दी है। ये अपनी जिंदगी में सनातन धर्म के वेदों में लिखे गए सभी रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, जिनको देखकर आपको भी काफी ज्यादा गर्व होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। नंबर 5, प्रोफेसर मिशेल डेनिनो। दोस्तों, मिशेल डेनिनो फ्रेंच ओरिजिन के एक इंडियन ऑथर है जो सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये एट प्रेजेंट में IIT गांधीनगर गुजरात में एक गेस्ट प्रोफेसर है, और साथ में ही ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च के स्पेशल मेंबर भी हैं। दोस्तों, साल 2017 में इनका इंडियन लिटरेचर और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इनको भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन होनर पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, मिशेल डेनिनो अपनी फैमिली के साथ सन 1977 में फ्रांस से भारत आए थे, और सनातन धर्म की संस्कृति से प्रभावित होकर हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर सेटल हो गए। इन्होंने अपना पहला एक दशक तमिलनाडु राज्य की प्रायोगिक नगरी ओरोविल में बिताया, जहां पर इन्होंने नीलगिरी पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संरक्षण में खुद को लगाया, और इसके बाद इन्होंने भारत के फिलोसफर, योगा गुरु और पोएट महर्षि अरबिंदो की किताबों को बड़े पैमाने पर ट्रांसलेट करवाया और इनका पब्लिकेशन भी करवाया। और दोस्तों, इसके बाद इन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर बहुत सारी बुक भी लिखी, जिनमें से साल 1996 में इन्होंने द इन्वेजन दैट नेवर वाज लिखी, और साल 2010 में इन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपनी सबसे प्रसिद्ध बुक द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती, इस नदी का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी किया गया है। दोस्तों, हमारा दिल से सैल्यूट है प्रोफेसर मिशेल डेनिनो के काम को। नंबर 4, मारिया वेर्थ। दोस्तों, मारिया वेर्थ जर्मनी से है, और ये पिछले 40 सालों से अपनी फैमिली के साथ भारत में रह रही है, और एट प्रेजेंट में ये एक इंडियन ऑथर है जिन्होंने सनातन धर्म और इसकी आध्यात्मिकता पर बहुत सारी बुक भी लिखी हैं। इन्होंने जर्मनी की हैमबर्ग यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में स्टडीज की, और इसके बाद ये साल 1980 में हरिद्वार के कुंभ मेले में आई, जहां पर ये योगा गुरु श्री आनंदमयी माँ और आध्यात्मिक गुरु देवराह बाबा से मिली। इन दोनों महान संतों से मिलने के बाद ये सनातन धर्म के ज्ञान और इसकी अद्भुत संस्कृति से काफी ज्यादा प्रभावित हुई, जिसके कारण इन्होंने सनातन धर्म को दिल से अपना लिया और अपने परिवार के साथ यहीं पर रहने लगी, और तब से ये हिंदू धर्म के ज्ञान और संस्कृति का सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में प्रचार कर रही हैं। नंबर 3, स्वामी पूर्ण चैतन्य। दोस्तों, मिली स्वामी पूर्ण चैतन्य से, जिनका पहले का नाम फ्रिक अलेक्जेंडर लुथरा था। अभी ये 37 साल के हैं और अपनी फैमिली के साथ भारत में रहते हैं। दोस्तों, स्वामी पूर्ण चैतन्य एक योगा टीचर, ऑथर और एक संस्कृत और वेदों के ज्ञाता हैं, जो सनातन धर्म के वैदिक ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। साथ में ये भारत के बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में काम करते हैं, जहां पर ये लोगों को योगा और वैदिक ज्ञान सिखाते हैं, और ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट चलाते हैं। दोस्तों, स्वामी पूर्ण चैतन्य साल 2007 में अपनी महज 23 साल की उम्र में भारत आए थे। इसके बाद इन्होंने बेंगलोर में स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया था, जहां पर ये सनातन धर्म के वेदों की स्टडी करने लगे, और साल 2012 में श्री श्री रवि शंकर ने इनका नाम अलेक्जेंडर लुथरा से बदलकर स्वामी पूर्ण चैतन्य रख दिया था। पूर्ण चैतन्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चेतना में पूर्णता का गुण, और अभी ये भारत और दुनिया भर में संस्कृत भाषा और वेदों के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, फ्रैंकोइस गोटियर। दोस्तों, मिलिए सनातन धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित एक इंडियन जर्नलिस्ट और हिंदुत्व सपोर्टर फ्रैंकोइस गोटियर से, जो साथ में ही एक फाउंडर है अपने प्राइवेट म्यूजियम के, जिसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। दोस्तों, इनका जन्म सन 1950 में पेरिस में हुआ था, और ये सन 1969 में महज अपनी 19 साल की उम्र में भारत आ गए थे। इसके बाद ये भारत के फिलोसफर, योगा गुरु और एक पोएट महर्षि श्री अरबिंदो के लेखन से डीपली इम्प्रेस्ड होकर इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम में रहने का फैसला किया और सनातन धर्म को दिल से अपना लिया, और आश्रम में ये मीरा अल्फासा के विचारों से भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए,
जिसके कारण ये सनातन धर्म की आध्यात्मिकता में लीन हो गए और अब ये भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के महान इतिहास का पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। दोस्तों, इन्होंने भारत के इतिहास और सनातन धर्म की आध्यात्मिकता पर बहुत सारी बुक भी लिखी हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड, और 2020 में प्रकाशित हुई इनकी बुक एन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1996 में प्रकाशित हुई रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री, और सन 2002 में प्रकाशित हुई द गुरु ऑफ जॉय श्री श्री रविशंकर एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, और इनके अलावा भी बहुत सारी बुक इन्होंने प्रकाशित की है। नंबर एक, परद्युम। दोस्तों, परद्युम जर्मनी से है। ये भगवान श्री कृष्ण के भगत हैं, जो अपनी पत्नी सुदेवी, बेटी पद्मिनी और बेटा वामन के साथ साल 2012 से पश्चिम बंगाल के मायापुर में रह रहे हैं। ये परिवार सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित है और इसलिए ये अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को इनके यूट्यूब चैनल आई लव मायापुर के जरिए लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस चैनल पर इनके 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पर ये काफी ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूनिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।